केदारनाथ यात्रा मार्ग के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में देर रात को बड़ा हादसा हो गया है। भूस्खलन के चलते यहां पर लगभग एक दर्जन लोगों के लापता होने की सूचना है, जिसकी जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर अधिकारियों से हादसे और राहत बचाव कार्य की जानकारी ली है। वहीं केदारनाथ यात्रा मार्ग के गौरीकुंड में हुए दुखद हादसे को लेकर सीएम धामी ने दुख जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी संभव हो वह सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जाए। सीएम का कहना है कि 12 से 13 लोगों के इस हादसे में लापता होने की जानकारी मिली है, जिनका रेस्क्यू लगातार जारी है, जिसमें ड्रोन कैमरे की मदद से उचित मॉनिटरिंग की जा रही है। बारिश की वजह से गौरीकुंड में जो हादसा हुआ है कुछ लोग लापता भी है, क्या कुछ जानकारी तो निकल के आ पाई सर, निर्देश क्या दिए? रात को ऐसे हादसे की सूचना मिली है और लगातार तब से लेकर 13 लोग वहां से लापता है, उन सभी की खोजबीन की जा रही है और जो जरूरी सहायता है वो भी की जा रही है और जो लोग उसमें लापता बताए जा रहे हैं उस हादसे में उनके जो नज़दीक के रिश्तेदार हैं नातेदार हैं उनको भी संपर्क किया जा रहा है कि जिससे वो ठीक प्रकार से उनका पता लगे। टीमें बनाकर लगातार जो भी रेस्क्यू हो सकता है या खोजबीन हो सकती है उसको किया जा रहा है, साथ ही बचाव दल के लोग हैं, जिला प्रशासन है, सारे मौके पर पहुंच गए हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ भी सक्रिय है और इस प्रकार के अन्य भी जो स्थान हैं राज्य के अंदर जो हमारे कच्चे मकान हैं या सड़क के किनारे या नदियों के किनारे उन सभी को शासन को कहा गया है, जिले प्रशासन को, जिला अधिकारियों को कि सभी को देख लें कि कहीं और पर भी अगर ऐसी स्थिति इस प्रकार की है तो उसको पहले से ही जो है अन्यत्र स्थानों पर उनको शिफ्ट कर दिया जाए जिससे कि सभी को सुरक्षित कर लिया जाए और फिलहाल तो बचाव के कार्य और जो जरूरी चीजें हैं वो सब करी जाती है। हादसे की सूचना मिलने के साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग भी सक्रिय हो गया है, लगातार गौरीकुंड हादसे में राहत और बचाव कार्य पर नजर बनाई हुई है। गृह विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी रिद्धिम अग्रवाल का कहना है कि अभी तक जो जानकारी उन्हें मिली है उसके तहत 8 लोग नेपाली मूल के बताए जा रहे हैं, उसके साथ ही जिला प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है जिनसे और जानकारी जुटाई जा रही है कि जो भी लोग लापता है वह कहां के रहने वाले थे और असल में कितना नुकसान इस घटना में हुआ है। देखिए, ये कल रात को देर रात लैंडस्लाइड हुई है, लैंडस्लाइड के कारण वहां पर जो दुकानें थी वो डैमेज हुई हैं। जितनी हमारे पास सूचना लोकल से प्राप्त हुई है उसके अनुसार उस टेंट में जो दुकान के पास था वहां 8-9 नेपाली जनरली रहते थे। कल शाम प्रधान भी वहां पर गए थे और नेपाली वहां पर मौजूद थे। अभी फ़िलहाल जो हमें सूचना मिली है लोकल से उसके अनुसार 12 से 13 लोग मिसिंग हैं, जिसमें से 8 नेपाली हैं और कुछ लोग यूपी के भी इसमें हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारी जल पुलिस, प्रशासन पुलिस सबके प्रतिनिधि इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, सर्चिंग की जा रही है। सिर्फ इतना है कि बारिश कंटिन्यूसली हो रही है और साथ साथ अभी मलबा हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं, अभी तक वो पूरी नहीं हुई तो हमें ये नहीं पता कि लोग मलबे के नीचे हैं या पानी में बह गए हैं। पानी का फ्लो काफ़ी है, इसलिए एसडीआरएफ की टीम्स अपनी पूरी केयरफुलनेस रखते हुए जितने सर्च कर पा रही हैं पानी में वो करने का प्रयास कर रही हैं। साथ साथ हमारा अंदाज़ा है कि अगर बॉडीज़ पानी में हैं तो वो बहकर नीचे की ओर आएंगी, तो हमारी एसडीआरएफ की दो अलग अलग टीम्स जो हैं अलग अलग एरियाज़ में किनारे पर सर्च चल रहा है। ड्रोन से एक सर्च हम लोग और करवाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कहीं कहीं किनारे पर अगर कोई हो मौजूद तो हमें उसकी सूचना मिल सके। और साथ ही हम लोगों ने लोकल से तो बात की है परंतु पब्लिक को अगर इन लोगों के बारे में कोई ऐसी सूचना हो कि ये शाम को कहीं और चले गए हैं, क्योंकि ये बारिश कल शाम से लगातार बहुत हो रही थी, तो वो सूचना हमारे कंट्रोल रूम के नंबर्स पर दे सकते हैं। गौरीकुंड हादसे के बाद शासन प्रशासन के साथ ही मौके पर एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां हादसे के बाद लापता लोगों की तलाश लगातार की जा रही है, वहीं मौके से शव भी एसडीआरएफ ने तलाशे हैं। साफ है कि पहाड़ों में लगातार होती बरसात के चलते अब भूस्खलन का खतरा भी बढ़ने लगा है। अपने सहयोगी रूपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।